हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेमिंग प्लान के ड्राइंग को कैसे रीड करेंगे और इसका मेजर यूज क्या है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। जो हमारा फ्रेमिंग प्लान होता है, ये एक्चुअली होता है एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। इसमें हमें क्या मेंशन होता है, एक तो बीम का हमें पता होता है, बीम का नेम दिया होता है, उसके अलावा हमारा बीम का साइज भी दिया होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें थिकनेस ऑफ कंक्रीट दिया होता है जो हमारा स्लैब में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 200 दे रखा है, यानी कि ये कंक्रीट 2 cm थिकनेस की है इस स्लैब में। ठीक है, कहीं पे कम भी होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे 175 mm का दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो स्लैब आएगी हमारी, उसमें जो कंक्रीट आएगा उसका थिकनेस 175 mm का होगा। ठीक है, ये चीज हमें पता होती है। इसके अलावा हमें कटआउट्स का पता होता है, कहाँ कहाँ पे कटआउट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कटआउट हो गया हमारा, ये कटआउट्स हो गए, यानी कि अगर ये कहीं पे सिंबल दिया हुआ है ऐसे कट का, तो इसका मतलब होता है कि ये कटआउट है, यहाँ पे हमें कंक्रीट नहीं डालना है, ये ओपन टू स्काई है, यानी कि ये ओपन एरिया है, यहाँ पे कंक्रीट नहीं आएगा। ओपन टू स्काई नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर वाला जो फ्लोर आया है वहां पे इस लोकेशन पे कटआउट ना आए, तो ये ओपन टू स्काई नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इस फ्लोर पे ये कटआउट रहेगा। ठीक है, यानी कि ओपन एरिया रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हमें पता होता है जो कॉलम के लोकेशंस होते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशंस पे होते हैं। जो भी हमारे कॉलम होते हैं, इनका नाम तो हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उसी लोकेशंस पे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें जो टक या फिर ऑफसेट होता है कहीं पे भी, वो दिया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये कॉलम है हमारा, ठीक है, इस पे जो बीम आ रहा है हमारा, तो ये बीम हमारा क्या फिक्स है, ना तो मिड पोर्शन पे है, ना तो इस फेस में है, और ना ही इस फेस में है, तो ये कुछ टक बन रहा है दोनों साइड में, इधर से कुछ बन रहा है, कुछ इधर से। जैसे यहाँ पे दे रखा है 350 का टक इधर से बन रहा है, कॉलम का साइज हमें पता होता है। ठीक है, तो ये टक भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमें बीम का साइज भी दिया होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। और इसके अलावा हमें क्या पता होता है, जो संकन स्लैब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है हमारा, ठीक है, जहां पे भी संकन स्लैब होगा वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ हैचिंग जरूर दिया होता है। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये संकन एरिया है। इसके अलावा हमें वहां पे लेवल मेंशन होता है, जैसे यहाँ का लेवल हमें दिया हुआ है -3400। ठीक है, जबकि हमारा जो जनरल स्लैब का लेवल है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है TOS, यानी कि जो टॉप ऑफ स्लैब है वो -3550 है। ठीक है, तो वो -3550 है और ये -3400 है, यानी कि ये 150 का हमारा संकन है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये -3400 ना होके 3650 होना चाहिए। ठीक है, तब तो जाके ये संकन बनेगा। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। ये हमें थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, ये संकन तो है। ठीक है, क्योंकि ये नोटेशंस दिए होते हैं यहाँ पे, जो हमारे ड्राइंग होती है यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, जो हमारा ड्राइंग का डिटेल दिया होता है उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो वहां पे मेंशन होता है, मैंने वो जानबूझ के डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे संकन है, लेकिन ये लेवल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये 3400 ना होके 3550 है, तो +150 कीजिए आप, और नीचे जाइए तो 3536, यानी कि 3700 होना चाहिए। क्लियर है ये। इसके अलावा लेवल्स ऑफ फ्लोर स्लैब, वो तो हमें पता ही लग गया कि फ्लोर्स का जो लेवल होता है वो हमें दिया होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें सेक्शंस दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे एक सेक्शन 1-8 रखा है, सेक्शन 8-8। ठीक है, इस सेक्शन का डिटेल हमें दिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो सेक्शन 8-8 काटा है, या फिर 7-7, या फिर 13-13, या फिर 5-5, या फिर 2-2, इन सब का जो एलिवेशन होता है वो हमें यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, ये देखिए 6-6 का एलिवेशन दिया हुआ है सेक्शन का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें फ्रेमिंग प्लान से पता लगती है। इसके अलावा हमें जो स्टेयर केस का लोकेशन होता है, ठीक है, वो हमें पता होता है। इसके अलावा जो हमारा लिफ्ट है उसका लोकेशन हमें पता होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होती है, पता होती है एक फ्रेमिंग प्लान में। इसके अलावा हमें जो ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशंस होते हैं, ये ग्रिड दिया होता है, हमारा जो ग्रिड का नंबर है वो मेंशन होता है दोनों साइड में। ठीक है, जैसे ये ग्रिड इधर चल रही है ए से बी, फिर आगे जा रही है, इसके अलावा इधर जो हमारा ग्रिड चल रहा है वो 1 से 2, 3, 4, 5, सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता होती है। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है फ्रेमिंग प्लान का, इसका जो मेजर यूज है वो होता है शटरिंग में। ठीक है, और इसका कोई खास यूज नहीं होता है, इसका मेन जो यूज है शटरिंग करने में। ये एक्चुअली होता है एक फ्लोर फ्लोर किसी फ्लोर का प्लान होता है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम शटरिंग करते हैं। जैसे ये बीम है हमारी,
तो ये 600 बाई 800 की है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, और जो हमारा ये कंक्रीट दिया हुआ है 175, उसके अकॉर्डिंग हम उसका लाइन किल सेट करके इसकी शटरिंग करते हैं बीम की, ठीक है। वो शटरिंग का जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, शटरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, लाइन किल क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। अभी बस ये समझ लेते हैं कि फ्रेमिंग प्लान का जो यूज होता है वो क्या होता है। इसका और एक मेन यूज होता है, जो हमारा कॉलम की कास्टिंग होती है उसकी हाइट निकालने में होती है। मान लीजिए जैसे इस कॉलम की कास्टिंग हमें करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि इस कॉलम पे कौन कौन सी बीम आ रही है, और अगर कोई सेक्शन कट रहा है इस पोर्शन पे तो वो चीज हमें देखनी होती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या इसका होता है, तो कॉलम की कास्टिंग हाइट आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 बीम आ रही है, तीनों बीम हमें दिख रही है कि ये भी 800 डेप्थ की है, ये भी 800 डेप्थ की है, ये भी 800 डेप्थ की है। तो इस डेप्थ के अकॉर्डिंग ही हम इस कॉलम की कास्टिंग कर लेंगे, ठीक है। कहीं पे क्या होगा कि आपको जो बीम आएगा वो अलग अलग डेप्थ के होंगे, ठीक है। तो वहां पे हमें देखना होता है कि जो सबसे मैक्सिमम डेप्थ है बीम की, उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पे शटरिंग करनी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ये कॉलम ले लीजिए, यहाँ पे एक बीम आ रही है 600 बाई 700 की, एक ये बीम आ रही है हमारी 600 बाई 800 की, इधर से भी जो बीम आ रही है वो भी 600 बाई 800 की, फिर जो बीम आगे बढ़ रही है 36 नंबर ही बीम है, ठीक है, ये भी 600 बाई 700 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 700 के अकॉर्डिंग ना करके हम जो बीम की डेप्थ 800 है उसके अकॉर्डिंग हम इस कॉलम की हाइट निकालेंगे और वहां तक इसकी कास्टिंग कर लेंगे, ठीक है। जो कॉलम की कास्टिंग करते हैं वो हम बीम के बॉटम तक ही करते हैं, ठीक है, ताकि बीम का बॉटम सेट हो जाए और बीम की शटरिंग लग जाए, बीम का रेनफोर्समेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है, और फिर स्लैब की शटरिंग या फिर स्लैब का रेनफोर्समेंट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं, फ्रेमिंग प्लान में करते हैं। और एक चीज, जो स्टेयर केस पे जो हमारे कॉलम आते हैं इसकी जो कास्टिंग हाइट निकलती है वो हमारे इन बीम के अकॉर्डिंग नहीं निकलती। उसके पीछे का रीजन है कि हो सकता है कि 2-3 लैंडिंग हमारी बन रही हो फ्लोर टू फ्लोर जाने में, तो फिर वहां पे क्या लैंडिंग बीम्स आती हैं, स्टेयर केस की लैंडिंग बीम आती हैं, तो वहां पे जो हमारी कॉलम की कास्टिंग होगी या शियर वाल जो भी आ रहा है स्टेयर केस वाले पोर्शन पे, तो उसकी जो हाइट निकलेगी कॉलम की कास्टिंग हाइट वो निकलेगी उस लैंडिंग बीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं कि हमने फ्रेमिंग प्लान में यहाँ देखा जी बीम 800 की आ रही है, ये बीम 800 की आ रही है और सीधे इसकी कास्टिंग वहां तक कर दी, फिर आपको या तो रिबार करना पड़ेगा या फिर चिपिंग करनी पड़ जाएगी इन कॉलमों के, ठीक है। तो ये चीज केयर करनी है, ठीक। तो आई होप आपको फ्रेमिंग प्लान के बारे में एक आइडिया हो गया होगा। तो गाइज आई होप आपको फ्रेमिंग प्लान का एक ओवर व्यू मिल गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई होती हैं और हमें इसका यूज कैसे करना होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ड्राइंग्स की, वो आप जरूर देखना, ठीक है। गाइज इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माई वीडियोज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी कोई इसमें डाउट है तो गाइज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपके कोई डाउट है तो। आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस वीडियो हियर, थैंक यू।